सिंधु की सहायक नदियों पर पनबिजली परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। भारत झेलम नदी पर किशनगंगा पावर प्लांट और चेनाब नदी पर रातले पावर प्लांट तैयार कर रहा है। इन दोनों परियोजनाओं की डिजाइन पर एतराज जताते हुए पाकिस्तान ने विश्व बैंक का रुख किया था। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत को संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर पनबिजली परियोजना बनाने की इजाजत है। संधि में झेलम और चेनाब को पश्चिमी नदियों के तौर पर परिभाषित किया गया है। सिंधु नदी समझौते के अनुसार पश्चिमी नदियों के पानी का भारत पूरा इस्तेमाल कर सकता है और भारत नदियों पर पनबिजली परियोजना भी बना सकता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर अगली बातचीत सितंबर में वॉशिंगटन में होगी। गौरतलब है कि पिछले साल उरी हमले के बाद सिंधु जल संधि काफी चर्चाओं में रही थी। तब प्रधानमंत्री मोदी 57 साल पुराने सिंधु जल समझौते को तोड़ने का इशारा दिया था। मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत में संधि के तहत नदियों से मिलने वाले पानी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। हालांकि विश्व बैंक दोनों देशों के बीच विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।